स्टूडेंट टुडे वी सी द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कंसेप्ट ऑफ फैडिंग एंड द डिफरेंस बिटवीन ग्राउंड वेव स्काई वेव एंड स्पेस वेव प्रोपोगेशन. ओके सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट इज द कंसेप्ट ऑफ फैडिंग. ओके सी द फैडिंग इज डिफाइंड एज अ वेरिएशन और फ्लक्चुएशन इन द सिग्नल स्ट्रेंथ एट द रिसीवर. ओके फैडिंग हम लोग किसको बोलते हैं, रिसीवर मीन्स जो भी सिग्नल रिसीवर रिसीव करता है उसमें जो भी फ्लक्चुएशन या फिर वेरिएशन आते हैं सिग्नल स्ट्रेंथ में, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, फैडिंग. ओके मीन्स जो भी सिग्नल हम लोगों ने ट्रांसमीटर से रिसीवर को भेजा है वो पूरी तरह सेम नहीं है, उसमें कुछ फ्लक्चुएशन आए हैं या फिर वेरिएशंस आए हैं, कुछ डिफरेंट सिग्नल पहुंचा है, तो वो किसके वजह से होता है, बिकॉज ऑफ फैडिंग. ओके सो देयर आर टू टाइप्स, दैट इज द रैपिड और स्लो फैडिंग एंड सेकेंड इज द जनरल और फ्रिक्वेंसी सिलेक्टिव फैडिंग. ओके देन नेक्स्ट पॉइंट इज दैट फैडिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू इंटरफेरेंस बिटवीन द टू वेव्स विच फॉलो द डिफरेंट पाथ टू ट्रैवल फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर. ओके फैडिंग किसके वजह से होता है, जो भी हम लोग सिग्नल भेजते हैं उसमें क्या आता है, इंटरफेरेंस मीन्स कुछ तो भी क्या बोलते हैं, डिस्टर्बेंस आता है टू वेव्स बिटवीन टू वेव्स विच फॉलोज द डिफरेंट पाथ. ओके वो क्या करते हैं, जो हम लोगों ने पाथ डिसाइड किया है मीन्स ट्रैवलिंग ट्रांसमीटर टू रिसीवर, वो पाथ फॉलो नहीं करते, कुछ अलग पाथ फॉलो करते हैं और ट्रैवल्स होते हैं ट्रांसमीटर टू रिसीवर. ओके उसके वजह से क्या होता है, उसमें फैडिंग आते हैं बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस और डिस्टर्बेंस बिटवीन टू वेव्स. ओके उसके बाद में रीजंस देखो, डिफरेंट रीजंस फॉर फैडिंग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके तो फर्स्ट रीजन है द फैडिंग कैन टेक्स प्लेस ड्यू टू इंटरफेरेंस बिटवीन लोअर एंड अपर रेज ऑफ द स्काई व्यू. ओके फैडिंग जो है वो किसके वजह से आ सकता है, बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस दैट इज डिस्टर्बेंस बिटवीन लोअर एंड अपर रेज ऑफ द स्काई व्यू. स्काई व्यू में जो भी अपर और लोअर वेव्स होते हैं उसमें अगर इंटरफेरेंस आ गया, अगर डिस्टर्बेंस आ गया तो फैडिंग हो सकता है. ओके उसके बाद में सेकेंड है, इट कैन टेक्स प्लेस ड्यू टू इंटरफेरेंस बिटवीन द वेव अराइविंग बाय डिफरेंट नंबर ऑफ पाथ्स. ओके इंटरफेरेंस किसके वजह से भी हो सकता है या फिर फैडिंग किसके वजह से आ सकता है, जो भी डिफरेंट नंबर ऑफ पाथ्स आएंगे रिसीवर के इधर उसके वजह से भी फैडिंग क्या हो सकता है, जनरेट हो सकता है इंटरफेरेंस बिटवीन द वेव्स अराइविंग. ओके उसमें जो है डिस्टर्बेंस अगर आ गया है, जो भी क्या वेव रिसीवर की इधर आ रही है डिफरेंट नंबर ऑफ पार्ट्स लेके, उसके वजह से भी फैडिंग हो सकता है. ओके उसके बाद में ड्यू टू इंटरफेरेंस बिटवीन ग्राउंड वेव एंड स्काई वेव, अगर इंटरफेरेंस अगर डिस्टर्बेंस हो ग्राउंड वेव और स्काई वेव में, ओके अगर प्रॉब्लम हो उसके वजह से भी क्या हो सकता है, फैडिंग हो सकता है. ओके उसके बाद में नेक्स्ट लास्ट रीजन, दिस इज द लास्ट रीजन दैट इज ड्यू टू द फ्लक्चुएशन ऑफ हाइट और डेंसिटी इन आइनोस्फीयर लेयर. जो भी हम लोगों ने आइनोस्फीयर लेयर देखे थे उसके अगर हाइट और डेंसिटी में फ्लक्चुएशन हो तो भी फैडिंग हो सकता है. ओके दीज आर द डिफरेंट रीजन्स ऑफ फैडिंग. ओके आफ्टर दैट वी सी द difference is that the comparison of a ground wave, sky wave and space wave. Okay, see the first point is that it present at a frequency range of 30 kilohertz to 3 megahertz. Then sky wave it present at frequency range of 3 megahertz to 30 megahertz. In space wave it present at above frequency of 30 megahertz. Okay, this is an also important question exam point of view. Then second difference is that for ground wave used for radio broadcasting, okay, MW range that is medium wave, and sky wave used for radio broadcasting small wave range. Okay, then in space wave used for TV and FM broadcasting, then
नेक्स्ट डिफरेंस इज दैट ग्राउंड वेव आर वर्टिकली पोलराइज्ड, स्काई वेव वर्टिकली पोलराइज्ड एंड स्पेस वेव इट इज हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड. ग्राउंड वेव सर्विस रेंज इज फ्यू 100 किलोमीटर एंड स्काई वेव सर्विस रेंज इज फ्यू 1000 किलोमीटर एंड स्पेस वेव सर्विस रेंज इज नॉट मोर देन 100 किलोमीटर. ओके, आफ्टर दैट वी सी द नेक्स्ट डिफरेंस दैट इज ग्राउंड वेव. नो प्रॉब्लम ऑफ फेडिंग इज ऑब्जर्व, इसमें फेडिंग नहीं होता है. ओके, प्रॉब्लम ऑफ फेडिंग इज ऑब्जर्व, स्काई वेव में फेडिंग ऑब्जर्व होता है. ठीक है, मीन्स मिलता है आपको. और स्पेस वेव में नो प्रॉब्लम ऑफ फेडिंग इज ऑब्जर्व, मीन्स ये दोनों सेम है, ग्राउंड और स्पेस वेव में फेडिंग नहीं होता है. ओके, नेक्स्ट है ग्राउंड वेव में पावर लॉस टेक्स प्लेस ड्यू टू एब्जॉर्प्शन बाय ग्राउंड एंड ड्यू टू बेंडिंग ऑफ वेव्स. ओके, पावर लॉस किसके वजह से होता है ग्राउंड वेव में? जो भी एब्जॉर्प्शन हुआ है ग्राउंड से या ड्यू टू बेंडिंग ऑफ वेव्स. यहाँ पे स्काई वेव में पावर लॉस ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय आयनोस्फीयर लेयर. ओके, जो भी आयनोस्फीयर लेयर में एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है उसके वजह से पावर लॉस होता है. स्पेस वेव में पावर लॉस ड्यू टू द पावर एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग बाय टॉल ऑब्जेक्ट्स. ऑलरेडी हम लोगों ने स्कैटरिंग देखा है, जो हिल के मीन्स पहाड़ियों पे जो भी क्या होता है वेव या सिग्नल ट्रांसमिट होता है उसके वजह से क्या होता है, स्कैटरिंग होते हैं अपने सिग्नल्स. तो उसके वजह से और एब्जॉर्प्शन पावर एब्जॉर्प्शन के वजह से भी इधर पावर लॉस होता है. ओके, नेक्स्ट देखो दैट इज ग्राउंड वेव्स आर ट्रेवल अलोंग द सर्फेस ऑफ अर्थ. ओके, एंड स्काई वेव आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द आयनोस्फीयर एंड स्पेस वेव ट्रेवल स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ट्रांसमीटर रिसीवर. ओके, ये डिफरेंस है, कंपेरिजन है. उसके बाद में लास्ट पॉइंट कंपेरिजन देखो क्या है, दैट इज इसमें फर्स्ट क्या है, लिमिटेड रेंज टॉल एंटीना रिक्वायर्ड हाई ट्रांसमिशन पावर रिक्वायर्ड. ओके, इसकी जो रेंज है लिमिटेड रहती है, इसको टॉल एंटीना लगता है, हाई ट्रांसमिशन भी लगता है और पावर, हाई ट्रांसमिशन पावर भी इसको चाहिए ग्राउंड वेव को. अभी जो स्काई वेव में देखो, स्काई वेव क्या है, स्किप डिस्टेंस टर्म्स ऑलरेडी हम लोगों ने देखी है. पावर लॉस ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय द लेयर. ओके, लेयर एनोस्फीयर लेयर के वजह से क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी जो है ऑब्जर्व होती है, ऑब्जॉर्प्शन. यहाँ पे देखो स्पेस में डिस्टेंस इज लिमिटेड, फेडिंग टेक्स प्लेस. यहाँ पे डिस्टेंस लिमिटेड होता है, फेडिंग भी रहती है ड्यू टू द रेन एंड फॉग. किसके वजह से, स्पेस मीन्स जो भी है फेडिंग किसके वजह से होती है, यहाँ पे रेन और फॉग के वजह से यहाँ पे ज्यादातर फेडिंग होती है स्पेस वेव प्रोपोगेशन में. ओके, तो ये हो गए डिफरेंस. तो आज का जो टॉपिक है यहाँ पे एंड हो चुका है. सो थैंक यू.